हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मल्टी डिग्री एजुकेशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं के आर मंगलम 2024 जो यूनिवर्सिटी है उसके रिगार्डिंग में, ओवरव्यू, एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट और भी बहुत सारे डिटेल्स के रिगार्डिंग में बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ एक वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी का नाम है के आर मंगलम यूनिवर्सिटी, जो KRMU गुड़गांव में है। एग्जाम टाइम UG, PG, डॉक्टर और डिप्लोमा के कोर्सेस अवेलेबल है। एग्जाम का लेवल यूनिवर्सिटी लेवल, एप्लीकेशन का जो मोड है ऑनलाइन मोड। कोर्स ऑफर करती है वो इंजीनियरिंग लॉ मैनेजमेंट के कोर्स ऑफर करती है। कोर्स ऑफर करती है जो यूजी कोर्स में जो ऑफर करती है BCA, BBA, BCOM, BLLP, BFarm, बी आर्किटेक्चर, BTech एक्सेट्रा। PG कोर्स में ऑफर करती है LLM, MBA, MTech, MA, MFarm एक्सेट्रा। एडमिशन डेट्स की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2024, लास्ट डेट जून, एग्जाम डेट जुलाई 2024, मेरिट लिस्ट जुलाई 2024। यूजी और पीजी की बात करें थ्रू CUET, एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी 2024 यूजी के लिए, पीजी का होगा जनवरी 2024, लास्ट डेट है फोर्थ वीक ऑफ मार्च यूजी के लिए, पीजी के लिए फोर्थ वीक ऑफ फरवरी 2024, एप्लीकेशन करेक्शन आता है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल यूजी के लिए, पीजी के लिए फोर्थ वीक ऑफ फरवरी, सिटी अनाउंस किया जाता है फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल 2024 फॉर यूजी, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च फॉर पीजी। एडमिट कार्ड रिलीज होता है फर्स्ट वीक ऑफ मई फॉर यूजी, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च फॉर पीजी। एग्जाम डेट है 15 मई टू 31 मई 2024 फॉर यूजी, 11 टू 28 मार्च 2024 फॉर पीजी। आंसर का रिलीज होता है जून में यूजी का, पीजी का होता है जून जुलाई में। रिजल्ट क्लियर होता है अगस्त में, यूजी का भी होता है, पीजी का भी अगस्त में ही होता है। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें, इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होता है फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2024 फॉर यूजी कोर्स और पीजी कोर्स का। इनका जो बात करें, इनका जो यूजी का होता है फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में होता है। एप्लीकेशन फॉर्म इनका ऑनलाइन मोड में होता है, इनका कोई भी ऑफलाइन मोड नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आप अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम पर्सनल, एकेडमिक, क्वालिफिकेशन, फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें आपको ध्यान से परफेक्ट वैलिड और वर्किंग होना चाहिए, ध्यान से फिलअप कीजिएगा। फिलिंग करते टाइम आपको अपलोड करना रहेगा फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको अपलोड करना रहेगा, और स्पेसिफिक साइज और फॉर्मेट में होना चाहिए। अभी हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के, इनका जो एप्लीकेशन फीस है ₹900 एप्लीकेशन फीस है फॉर ऑल कैटेगरी कैंडिडेट। एप्लीकेशन का जो फीस है ऑनलाइन मोड में होता है। पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू आपको पेमेंट करना होता है। एप्लीकेशन का जो फीस है नॉन रिफंडेबल है। सब्जेक्ट वाइज की बात करें, यूजी के तीन सब्जेक्ट का जनरल में फीस 750, ओबीसी में 700, SC/ST में 650, सेंटर आउटसाइड इंडिया 3750। अप टू सेवन सब्जेक्ट की बात करें तो जनरल में 1500, ओबीसी में 1400, SC/ST में 1300, सेंटर आउटसाइड इंडिया 7500। अप टू 10 सब्जेक्ट जनरल का 1750, ओबीसी का 1650, SC/ST का 1550 एंड सेंटर आउटसाइड इंडिया 11000। फॉर पीजी की बात करें तो जनरल का जो सेंटर इनसाइड इंडिया है वो ₹1000 है, सेंटर इन इंडिया पर पेपर ₹500, सेंटर आउटसाइड इंडिया है ₹5000 फॉर अप टू 3 पेपर, ₹1500 फॉर अप टू 1 पेपर। जनरल की बात करें ₹800 फॉर 3 टेस्ट पेपर, पर पेपर का ₹400, SC/ST का ₹750, पर पेपर का ₹400, PWBD का जो सेंटर इन इंडिया ₹700, पर पेपर ₹400। अंडर ग्रेजुएट कोर्स की बात करें फॉर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बीटेक प्रोग्राम में नॉर्मल आपको क्लास 12 कंप्लीट करना पड़ेगा, कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से कर सकते हो। मैंडेटरी जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एज ए मैंडेटरी सब्जेक्ट टू एलिजिबल। 45% आपको मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे इन जनरल कैटेगरी, 40% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे इन रिजर्व कैटेगरी फॉर SC/ST। अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आप इजिली एलिजिबल हो टू अप्लाई। BSc ऑनर्स डेटा साइंस प्रोग्राम की बात करें, आपको इसमें क्लास 12 कंप्लीट करना पड़ेगा, कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आप कर सकते हो। मैंडेटरी सब्जेक्ट है, आप कोई भी स्ट्रीम से कर सकते हो, पर आपका मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। एटलीस्ट आपको 50% मार्क्स आपको स्कोर करने पड़ेंगे तो ही आप एलिजिबल होते हो फॉर एडमिशन। फॉर CUET यूजी की बात करें तो आपको नेशनलिटी आप इंडियन सिटीजन होनी चाहिए। क्लास 10 12 में आप कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से भी कर सकते हो तो भी आप इजीली एलिजिबल हो टू अप्लाई। इसके अंदर कोई भी एज लिमिट नहीं है टू अप्लाई फॉर द एग्जाम। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स की बात करें फॉर एमटेक प्रोग्राम, उसके लिए आपको BE/BTech डिग्री करना पड़ेगा, कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से आप कर सकते हो। एटलीस्ट आपको 50% मार्क्स आने चाहिए तो ही आप क्वालिफाई करेंगे फॉर द एग्जाम। अगर आप फाइनल ईयर में हो कैंडिडेट तो आप इजीली एलिजिबल हो टू अप्लाई। MBA प्रोग्राम में आपका बिचलर डिग्री होना चाहिए होल्डर, आप कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कर सकते हो। एटलीस्ट आपका 50% मार्क्स आने चाहिए फॉर जनरल, 45% आपके मार्क्स आने चाहिए टू इन द रिजर्व कैटेगरी फॉर SC/ST। अगर आप फाइनल ईयर में हो इन 2024 तो आप इजिली एलिजिबल हो टू अप्लाई। फॉर CUET PG की बात करें, आप इंडियन सिटीजन होनी चाहिए,
अगर आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, आप कोई भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कर सकते हो। इसके अंदर कोई भी एज लिमिट क्राइटेरिया नहीं है। एडमिशन प्रोसीजर की बात करें, एडमिशन जो होते हैं इनके टेस्ट होता है। फॉर बीटेक के लिए जेडब्ल्यू मेन सीयूटीईटी का स्कोर होना चाहिए, दोनों में से किसी एक का स्कोर होना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ AIMA यूगेट स्कोर, आपके पास AIMA यूगेट का स्कोर होना चाहिए फॉर एडमिशन BBA और BCA। NATA का जो मतलब है वो नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर का होता है। और इसकी बात करें, आपका वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए क्लेट, एलसेट, पियर्सन यूजी, AIS, EEE, UPSEE, कैट, सेट, इनेट, जीमेट, एफमेट एक्सेट्रा। काउंसलिंग की बात करें तो इनका जो काउंसलिंग होता है वो जून 2024 को होगा, ऑनलाइन मोड के थ्रू होता है। इसके अंदर नॉर्मल आपका मेरिट लिस्ट होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सीट अलॉटमेंट इसमें आता है, चॉइस फिलिंग आ जाता है, इसके थ्रू आपको एडमिशन मिलता है। इसके रिगार्डिंग में कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिलती है, हम आपको न्यू वीडियो के थ्रू आपको अपडेट कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।